पीएम मोदी की असम में चार सभाएं हैं, राह में इस वक्त एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं जानता हूं आपने बहुत मुसीबतें झेली हैं, मैं जानता हूं आपने ऐसी सरकारों को देखा है, ऐसी सरकारों को झेला है कि अब आपका गुवाहाटी में बैठने वाली सरकार पर से भरोसा उठ गया। इनको आपके दुखों की चिंता नहीं है, इनको आपके बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है, उनको आने वाले कल आसाम क्या हो उसकी परवाह नहीं है। वो तो इस बात में लगे हैं कि अब अपने बेटे को कैसे सेटल करें, अपने परिवार का भला कैसे करें। भाइयों बहनों, जो अपने परिवार के लिए जीते हैं वो देश के लिए जीवन नहीं खपा सकते। मेरे भाइयों बहनों, उनके लिए देश से बड़ा किसी का दामाद बड़ा होता है, देश से बड़ा कभी उनका बेटा बड़ा होता है, किसी का देश से बड़ा बेटी होती है। अपने बेटे बेटियों के सिवाय इनको देश की परवाह नहीं है। भाइयों बहनों, मैं आया हूं मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करने के लिए, मुझे मेरे देश के बेटे बेटियों का भला करना है, असम की बेटे बेटियों का भला करना है, और इसलिए मैं आज असम में आपके बीच आया हूं। आज नवरात्रि का पहला दिवस है, पूरा हिंदुस्तान शक्ति साधना में लगा हुआ है। बहुत वर्षों के बाद मुझे भी आज फिर से एक बार नवरात्रि के प्रथम दिवस पर मां कामाख्या देवी के चरणों में सर झुकाने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, बहुत सालों से हम एक बात पढ़ते आए, सुनते आए और बड़ा गर्व होता है। मैं तो असम की गलियों में घुमा हुआ इंसान हूं, मैं संगठन का काम करता था, यहां के चप्पे चप्पे पर जाने का मुझे सौभाग्य मिला। ये राह में भी मैं पहले हार चुका हूं, नौगांव तो बार बार आता था। भाइयों बहनों, ये श्रीमद् शंकर देव की धरती है, पड़ोस में ही तो श्रीमद् शंकर देव हुए। इतने वर्ष हो गए, आज भी हम लोगों को प्रेरणा देते हैं, समाज का कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। ऐसी पवित्र धरती को नमन करने का सौभाग्य मिला है। पुराने जमाने में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जाती थी, हमारे पुराणों में कहते थे, असम के लोग इस बात को मत भूलना, हमारे पुराणों में कहते थे, और ये कामरूप के लिए कहा गया है, यानी ये असम प्रदेश के लिए कहा गया है, पुराण में कहते थे, अन्यत्र बिरला देवी, अन्यत्र बिरला देवी, कामरूपे गृहे गृहे। कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुस्तान के अन्य भूभाग में कहीं कहीं पर देवियों के दर्शन होते हैं, लेकिन ये कामरूप ऐसा प्रदेश है जहां के हर घर में नारी देवी का रूप होती है, नारी देवी का रूप होती है। ये आज नहीं, पुराणों में कहा जाता था, और इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिवस पर जहां हर घर में देवी है, ऐसे परिवारों को प्रणाम करने का मैं अपने आप का बड़ा सौभाग्य मानता हूं। भाइयों बहनों, आखिरकार
क्या कारण है? मैंने ये तो देखा है हिंदुस्तान में हर राज्य में कोई न कोई तो बीपीएल परिवार होते हैं, कहीं 20% होंगे, कभी 25% होंगे, कभी 30% होंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में हर राज्य में गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले मेरे भाई बहन हैं, लेकिन एक पूरा का पूरा राज्य बीपीएल हो जाए ये तो सिर्फ आसाम में ही नजर आता है। पूरा राज्य गरीबी की रेखा के नीचे ला करके इन्होंने खड़ा कर दिया। 15 साल आपको मौका दिया, 15 साल आपने अपने परिवार के सिवाय किसी का भला किया है? असम के राहा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी।